इस वक्त हमारे साथ जूनियर एशिया कप की दो लड़कियां हैं, चैंपियन लड़कियां हैं, और पहली बार भारतीय टीम ने जूनियर एशिया कप जीता। जापान में जापान की टीम को हराया, साउथ कोरिया जैसी टीम को हराया, एक मैच में 20 से ज्यादा गोल किए। और इन दोनों लड़कियों की और ज्यादातर लड़कियों की इस टीम में बेहद खास कहानियां भी हैं। मुमताज के बारे में सब जानते हैं, फादर मदर आज भी लखनऊ में सब्जी बेचते हैं, और प्रीति जो टीम की कप्तान है उनके पिताजी राजमिस्त्री हैं। मुमताज आपसे शुरू करते हैं, आपकी कहानी फेमस हो गई है, वो तस्वीरें सब लोग देख रहे हैं, आपके मदर फादर सब्जी बेच रहे हैं। आप कभी सब्जी बेचने गई थी और कभी मदर फादर को उस तरह से साथ साथ दिया है इसमें, और अब क्या इसको एक डिफिकल्ट मोमेंट की तरह से याद होता है ये? हाँ, जब मैं हॉकी नहीं खेलती थी तो मैं अपनी मम्मी पापा की हेल्प करती थी, क्योंकि मेरे घर में कोई बड़ा भाई नहीं है, 5 सिस्टर ही हैं और सबसे छोटा भाई है। तो मैंने हमेशा अपनी पापा की मदद करी है, लड़का बन के सब्जी की दुकान पे बैठना है, पापा के साथ मंडी जाना है और रात में 10 बजे पापा के साथ सब्जी बढ़ा के लेके आना है। तो मतलब पापा का एक तरीके से मैं दाया हाथ थी हमेशा, क्योंकि मैं पापा की हेल्प करती थी दुकान पे अपना। और जब मेरा हॉकी में इंटरेस्ट आया तो मैं थोड़ा मतलब अपने पापा से दूर होती चली गई, पापा की हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस हॉकी में चला गया था। लेकिन अब आप हेल्प कर रही हैं, आप मैंने सुना आप पैसे जोड़ रही हैं, 17-18 लाख हो गए, 2-3 लाख रुपए और इनाम के मिल गए तो मकान बना। हाँ, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, अभी हॉकी इंडिया अवार्ड मिला था मुझे, तो हॉकी इंडिया ने बहुत हेल्प करी है मुझे, कैश अवार्ड अच्छे खासे मिले हैं और फायर राइजिंग का भी अवार्ड मिला है। तो मैं पैसे काफी जोड़ रही हूँ, ऑलमोस्ट पैसे हो गए और मैं बस जल्द से जल्द घर लेना चाहती हूँ। घर लेना चाहते हैं? अभी एक कमरे में कितने लोग रहते हैं आपके? हम एक कमरे में 5 बहन, 1 भाई, मम्मी पापा, और चाचा भी हैं शायद। मामा, मामा का ही घर है, हमारा खुद का घर नहीं है ये। जी, और बाथरूम भी एक है जो बाहर जाना पड़ता है, कमरे से बाहर है शायद। तो बाथरूम बाहर है जी। ये मिसाल दिखाता है कि कितनी भी डिफिकल्टी से एक मुमताज जैसी लड़की उठकर गोल्ड मेडल जापान में जाके जीत के आती है। और ऐसी ही कहानी प्रीति की भी है। प्रीति, आप तो अपने फैमिली के बारे में बताएं। मेरे पापा राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो वो जैसे मेरी मोम हाउसवाइफ है, तो मैं घर का ही थोड़ा बहुत हेल्प कराती थी क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि पापा घर बनाते हैं मेरे तो। बट ये है कि हमारे, जैसे मैं हरियाणा में सोनीपत से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों को थोड़ा सा दबाया जाता है कि बस पढ़ो, शादी कर लो, गेम में जाओगी तो बिगड़ जाओगी, तो थोड़ी सी ये चीजें ज्यादा फेस करनी पड़ी है मुझे। तो वो चीजें मुझे काफी बुरी लगती थी, जैसे बचपन में भी मुझे बोला जाता था कि कुछ नहीं है, ये टाइम वेस्ट है, मत खेलो कि हमारा नाम खराब कर देगी, तो वो चीजें मेरे को काफी सुनने में बुरी लगती थी। बिल्कुल। और प्रीति, अगर पूछना चाहे इस टीम में क्या खास बात है? ज्यादातर लड़कियों की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बड़ा कमजोर है, लेकिन टीम में बॉन्डिंग कैसे है? यानिका शैपमैन की वजह से आया, जो आपकी चीफ कोच हैं, उनकी वजह कैसे आया ये बॉन्डिंग? बिल्कुल सर, जैसे टीम की बॉन्डिंग की बात करें तो सर जानी के स्कोपमैन ने भी, हमारी कोच ने बहुत मदद की है, हरविंदर सर ने भी बहुत मदद की है। बट एक जो हमारी टीम की यूनिटी थी ना सर, वो मतलब इतनी ज्यादा अच्छी थी ना कि हम जो एक बंदा बोल रहा है तो हम सब उसके साथ चलेंगे, चाहे वो गलत है या सही है, तो वो यूनिटी बहुत अच्छी थी सर। तो मेरे हिसाब से हम उस यूनिटी को अगर वर्ल्ड कप के लिए भी मेंटेन करते हैं तो मे भी हम अपना वहां पे भी 100% दे के और फिर से मेडल को विन कर सकते हैं। मुमताज, आपको टीम का सबसे स्ट्रांग एस्पेक्ट क्या लगता है? फॉरवर्ड लाइन है या ओवरऑल कॉम्बिनेशन है? सर फॉरवर्ड कुछ नहीं कर सकते बिना मिड के, और मिड डिफेंडर के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन था। डिफेंडर मिड का सपोर्ट करते थे, मिड स्ट्राइकर का सपोर्ट करते थे, अगर मिड को अच्छा खिलवाना है अपने स्ट्राइकरों को तो वो कॉल करते थे, ये मतलब कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे में ये अच्छी चीजें है मुमताज, या कोई भी अन्नू वगैरह जो भी प्लेयर थे। तो मतलब ऐसा नहीं ना कि सिर्फ फॉरवर्ड ने गोल करे हैं तो फॉरवर्ड का नाम आया है, अगर हमारा गोल में नाम आया है तो उसके पीछे हमारा मिडफील्डर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट कराया है, हमें अच्छी अच्छी बॉले खिलाया है और अच्छे अच्छे मूव बने हैं जिससे हम स्ट्राइकरों ने गोल किया है। और मतलब सही पोजीशन पे भी रहना बहुत जरूरी था कि गोल स्कोरिंग कब कैसे करना है, तो ये हमारे कोच ने, जानिके ने भी हमें मतलब प्रैक्टिस कराई थी डी के अंदर, मतलब कैसे पोजीशन में रहना है। प्रीति, इस टीम से आगे क्या उम्मीद रखे हैं? बिल्कुल सर, जैसे अभी 5 लड़कियां ऑलरेडी हमारी सीनियर कोर ग्रुप में है सर, तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करके आई हैं अभी एशिया कप में भी हमारे साथ, तो उम्मीद यही है सर, जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा और हार्ड वर्क करेंगे सर,
ताकि हम भी सीनियर के लिए रास्ते बना सके। तो हम इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे ताकि हम अपने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके सब सीनियर के लिए जगह बना सके। अभी जूनियर वर्ल्ड कप है, टीम में से जो लड़कियां सीनियर जाएंगी, एशियन गेम्स है, पेरिस है, तो आप लोग ऐसे ही खेलते रहो और बड़ी और बड़ी कामयाबियां हासिल करो। थैंक यू सो वेरी मच एनडीटीवी से बात करने का, मुमताज और कैप्टन।